जो बोल रहा हूँ कहाँ कर? अरे बाप रे, स्लो कर, स्लो कर, स्लो कर। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, उन्हें रोकना जरा। ए, रुको। सर, सर, वो क्या? आओ जल्दी, मैडम बुला रही हैं। ये लीजिए मैडम। इधर आना। मुझे देख के यू टर्न क्यों किया? तुम्हारी हेलमेट कहाँ है? मेरा हेलमेट ये रहा मैडम। क्यों रे? पीछे वाला है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है हेलमेट पहन के। तुम्हें ज्यादा चर्बी हो गई है क्या? इसको फ्रेंड समझकर बैठाया और मेरा हेलमेट पहन लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए मैडम। गधे की तरह बड़े हो गए हो और मुझे कानून समझा रहे हो। कोर्ट में फाइन भर के स्टेशन से बाइक लेके जाना। सुनो मैडम, इसे ले जाओ, हेलमेट देना मुझे। ये लो मैडम। साहब मेरा पेपर दे दो ना। ले पेपर, दोबारा गलती मत करना। ठीक है, चल जाए यहाँ से। ए चलो जल्दी चलो। ए बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? मैं क्या बोलूं? वाशु की शक्ल देखी ना, मजा आ रहा था मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस जाते समय तंग मत किया करो। तुम्हारे साथ बाइक पे जाता हूँ तो लोग मुझे मुजरिम समझते हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती हो रही है? मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफर लेके यहाँ पे काम कर रही हूँ। तुम्हें याद है कॉलेज टाइम? कॉलेज की बात कुछ और थी, लेकिन अब की बात कुछ और है। तुम अब पुलिस वाली हो। अब क्या करना है वो बताओ। यहाँ से ऑटो में जाओ। ओके सॉरी डाली, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ अकेले। मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, अब तो चलो। तुम क्यों नाराज होते हो? मैंने तुम्हें क्या शहर घुमाने के लिए कहा था? बस बात करने को तो कहा था मैंने। ठीक है चलो, बात करते चलते हैं। यस सर, ग्लोबल टेक, यहाँ सब मशीन अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जी सर, हमने आपको वाउचर मेल कर दिया है, उसे देख लीजिए। जी सर, फ्री डेमो है आपके लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है? ये बॉस, मैडम को सही सलामत पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया ना। ए, कल सर ने भी तो दीदी की गोद भराई ये बोल के छुट्टी ली थी, मैंने कुछ बोला था क्या? ए, ज्यादा बोल मत, मामा के लड़के के लिए काम मांगा था, वो बाहर खड़ा है, उसने सुन लिया तो मैं तो गया। ए राजा आया भाई। मॉर्निंग सर। एजुकेशन क्या है? आईटीआई सर। आईटीआई किया? लेकिन सब काम करता हूँ सर, विजय कंपनी में 2 साल काम किया, उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने खुद ही छोड़ दिया। क्यों? वहाँ डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं थी। ठीक है, 2 हफ्ते ऑफिस में रहिए। ठीक है सर, धीरे धीरे डेमो के लिए भेजता हूँ। ओके। अच्छा यहाँ के रोड जानते हो? एक मिनट, यहाँ के रोड अच्छे से जानते हो ना? ये देखो ना सर, इसमें पूरे मुंबई का मैप है। बोलिए सर। जी जी, हम कॉलेज में मशीन चाहिए और डेमो मांग रहे हैं। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, कहिए। ओके सर। ओके चलो वासु। सर धूल सर, ये अलग ग्रुप है। इसमें और कोई ऑप्शन है क्या कृष्णा? है ना सर, फेक नोट डिटेक्शन मोड भी है। अब यहाँ देखिए, ये MGUV दिख रहा है ना, इन बटन्स का यूज करके आप फेक नोट डिटेक्ट कर सकते हैं। बंडल में एक नोट भी फेक होगी ना सर तो फंस जाएगी। हाँ फंस जाएगी। क्या फंस जाएगी? जाली नोट की बात कर रहा है सर। हाँ तो ठीक है। ओके कृष्णा, तुम्हारे मशीन से सेटिस्फाइड हूँ मैं। हमें इस तरह की 20 और मशीन चाहिए, हम मेल भेज देंगे, आप मैडम से जाके चेक ले लें। श्योर सर। ओके कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। क्यों रे 20 मशीन? ये हॉस्पिटल है या बैंक? ए, चलना चुपचाप। तुम्हारा नाम क्या है? जयंती। पति का नाम? नारायण। काम क्या करता है? रियल एस्टेट बिजनेस। तुम्हारा क्या नाम है? सुनील। या? सुनील। कैसे दोस्ती हुई? इनके एरिया में मेरी मोबाइल की दुकान है। कैसे मालूम पड़ा? मेरे पति हमेशा खाना खाने के लिए फोन करके घर आते हैं, उस दिन बिना फोन किए आ गए। फोन क्यों नहीं किया? भाई इसको तो मैं अभी ऊपर भेजता हूँ, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा, दिमाग का दही कर दिया है। ए बैठ जाओ, फिर आगे क्या हुआ? हाँ भैया, उन्होंने धमकी दी है कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लीजिए पैसे। ठीक है, कैसे भी सबूत मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरा नाम लीक किया तो? अरे अरे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है जाओ यहाँ से। ए आइंदा किसी को भैया मत कहना। कैसे हो कृष्णा? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी
आइए आज भी यूनिफॉर्म में अंदर रूम में ड्रेस रखी है, जल्दी से जाके बदल कर। ठीक है माँ। दरवाजा क्यों बंद किया? समझे नहीं, लॉकअप। निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरेस्ट कर रहा हूँ, चाहो तो मुझ पे केस कर दो। हमेशा तो चुप रहते हो, आज क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो हुआ है। मुझे कपड़े बदलने हैं, तुम जाओ यहाँ से। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? छोड़ो मुझे। निकलो। जाना पड़ेगा मुझे। हाँ जाना पड़ेगा। सच में जाऊँ? जाओ ना। ज्यादा भाव खा रही है। माँ, आंटी के साथ अंकल कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं? क्यों बेटा, सबके सामने तुमने ये क्या कर दिया? देखिए ना इस लड़के को, सबके सामने इसने हमारी नाक कटा के रख दी। क्या हुआ माजी, इसने ऐसा क्या कर दिया? मौका मिला नहीं कि मामा आप तो डिसिप्लिन में रहो। आप लोग बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, जाके अपना अपना काम कीजिए। ये लो भाई। यहाँ है बेटा। हाँ पापा। सर राइट में जाइए। ओके। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, बैठिए। सेकेंड काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं ना, तुम चिंता मत करो। सेकेंड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट की तरह है भैया, हमसे पहले बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, हमें मिलना मुश्किल है। दिव्या, तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं पिताजी, 4 मार्क्स बायोलॉजी में ज्यादा चाहिए था। इस साल कॉलेज की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। सॉरी सर, सीट सब फुल हो चुकी है, अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो मैं आपको फोन करूँगी। सॉरी सर, कैंपस में सारी सीट्स फुल हो चुकी है। सॉरी सर, कोई चांस नहीं है। सॉरी सर, अब हमारे पास कोई भी सीट नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सॉरी सर, सॉरी सर। ये क्या कह रहे हैं सर, डोनेशन 65 लाख रुपए? क्या बात कर रहे हो कृष्णा, अगर दूसरे कॉलेज में जाओगे तो नवंबर दिसंबर में ही सारे सीट ब्लॉक करके एडमिशन के वक्त 1 लाख की सीट 1.5 लाख में बेचेंगे, और जो कॉलेज की एक्चुअल फीस है वो तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। कृष्णा तुम दोस्त हो इसीलिए बता रहा हूँ, और देखो कृष्णा मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इसी साल डीम यूनिवर्सिटी अप्रूव होगी, सोच के बताना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं भाई साहब। तुम्हें कोई टेंशन है क्या? यहाँ बहन का एडमिशन कराने आया था। नहीं हुआ? क्या बताऊँ, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गई है, एडमिशन क्लोज हो गए हैं, सीट्स फुल हो गई है, डोनेशन दो बोलते हैं, बस बेवजह घुमा रहे हैं। एक मिनट मेरे साथ आओ। आओ ना। देखो सारे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट सीट को छोड़कर बची 30-40 सीट से ये कॉलेज चल रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई तो इन लोगों से कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्ट कहीं एडमिशन नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, लेकिन कोई भी कॉलेज फ्री सीट्स के बारे में नहीं बताएगा। आजकल सारे कॉलेजेस में एडमिशन एजेंट्स के जरिए ही हो रहे हैं, ये लोग सीट्स खरीद लेते हैं और बाद में इन्हें ब्लैक में बेचते हैं, इनका यही गोरख धंधा है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे ब्लैक में पैसा कमाने के लिए करते हैं, जैसे थिएटर में टिकट बिकती है ना, वैसे ही ये लोग सीट ब्लैक करके बेचते हैं, यही इनका धंधा है। तो मुझे क्या करना होगा? आप इन लोगों के चक्कर में पड़कर इस बहन का भविष्य मत खराब कीजिए, मैं एक नंबर देता हूँ आप नोट कीजिए। दरअसल ये सभी एजेंट्स को जानते हैं, ये इनका एडमिशन पक्का करवा देंगे। क्या नाम सेव करूँ? मुरारी। देखो भाई मैंने बात कर ली है, कल सुबह नवरंग थिएटर के पास आके कॉल करना। ठीक है भाई। वहाँ मैं भी रहूँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक। कौन से स्कूल में चाहिए? भाई स्कूल की नहीं, डॉक्टर की सीट चाहिए। अरे क्या करे भाई, ये मेडिकल की सीट आसानी से मिल सकती है, लेकिन आजकल तो स्कूल में भी LKG एडमिशन लेना हो तो जान निकल जाती है, बहुत डिमांड है भाई। हाँ, बोलो कानन, क्या बात है? आपकी कृपा से अच्छा हूँ मैडम। कहो कानन,
कैसे याद किया? कुछ नहीं मैडम, हमारे पहचान वाले के भाई को भाई। सॉरी मैडम, भाई नहीं बहन को मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए, आप करा देंगे तो मेहरबानी होगी। आजकल मेडिकल सीट्स के लिए मारामारी है कानन। मैडम अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आप चाहोगे तो हो जाएगा चंद्रशेखर। हमारे पहचान वाला है, करा दीजिए प्लीज। ठीक है मैडम, ऑफिस में भेज दीजिए। ओके चंद्रशेखर, आप यहाँ सुबह 11 बजे आ जाना। हाँ। राजा मनी रहेंगे यहाँ पर, वो तुम्हें ले जाएंगे। ओके थैंक्स मैडम। मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कोटा में नहीं मिला? गवर्नमेंट कोटा में मिलता तो आपके पास क्यों आते सर? सबको मेरिट में सीट मिल जाएगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आपके धंधे की वजह से एलकेजी के लिए भी 1-1.5 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं सर। ए भाई तुम ये कैसी बात कर रहे हो? राजा मनी आप शांत रहिए, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस पे गुजरती है ना दर्द वही समझ सकता है। एलकेजी से लेकर प्लस टू तक आप प्राइवेट स्कूल्स में फीस भर देते हैं, पर बाद में गवर्नमेंट्स की फ्री सीट्स चाहिए है ना। प्लस टू में टॉप करने के बाद डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेंगे ऐसा सब कहते हैं, पर करता कोई नहीं है। आप लोग मानिए या फिर ना मानिए, कीमत हर चीज की होती है। खैर वो सब छोड़ो, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए? कोई भी कॉलेज चलेगा सर। MRS 80 लाख, IMM 85 लाख, राजेंद्र प्रसाद सर सर उतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा कम वाला देखिए ना। तब तो रामजी 60 लाख चलेगा क्या? बोलो तो बात करता हूँ। वहाँ पर भी बाकी का खर्चा मिला के 80-85 लाख जाएगा सर। अरे ये क्या तुम लोग आलू टमाटर की तरह मोल भाव कर रहे हो? कितना पैसा दे सकते हो बोलो, फाइनल बताओ। मैं 35 या 40 लाख ट्राई कर सकता हूँ सर। ट्राई कर सकते हो क्या मतलब? देखो 7-8 लोग पहले से रेडी हैं, 50 लाख लगेंगे। चीजिए मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, इस साल ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है, तभी तो ऐसा रेट है। बोलो फाइनल कर दूं? थोड़ा कम कीजिए ना सर। इससे एक पैसा कम नहीं होने वाला है, सोच कर बताना। ये कृष्णा हम लोग पहले पैसा नहीं देंगे, पैसे दे दिए और एडमिशन नहीं मिला तो पहले सीट कन्फर्म करते हैं उसके बाद पैसा देंगे यार। 35-40 लाख कम होते हैं क्या? हमारे पास इतना देने के लिए नहीं है, इससे कहो कि कोई और कोर्स कर ले। माँ अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये डॉक्टर कैसे बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट में मिलती तो जरूर पढ़ाई कराते, अब वहाँ नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट में ना मिलने का कारण सिर्फ परसेंटेज नहीं है पापा, जान लेने वाली शराब की दुकानें गली में 4 खुली हुई हैं, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज तक नहीं है। 80% मार्क्स लिए हुए स्टूडेंट्स भी 75,000 और 1 लाख रुपए देकर डॉक्टर बन रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स लेकर बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली हमारी दिव्या को पढ़ाना गलत नहीं है। बेटी दिव्या आइए आइए ना बैठिए, आप भी बैठिए। कितना इंतजार किया तुम्हारा, तुम आई नहीं इसीलिए मैं खुद चली आई। ये सो गई थी अभी उठी है। दिव्या आपके लिए जो भी हो लेकिन हमारे लिए तो डॉक्टर ही है। एक लड़की जब डॉक्टर बनती है तो पूरे खानदान को गर्व होता है, ये हमारी तरफ से तोहफा है, इसे डॉक्टर जरूर बनाना है। काम हो गया समझो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हटाओ जल्दी इन सबको, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है क्या? आ गई सर, अंदर हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ले आना सबका। उनकी वाइफ से ले लिया सर, 2 दिन पहले वो अपने बच्चों के साथ माँ के घर गई थी, पड़ोसियों ने देख के पुलिस को इन्फॉर्म किया है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सस्पेक्ट के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, सर 4-5 लोगों ने मिलकर काटा है। अपने रिकॉर्ड से इन कतलों को मैच करके देखो, घर के अंदर घुस के मारे हैं तो पक्का प्लानिंग किया होगा। आजू बाजू में पूछताछ करके बताओ वो क्या काम करता था। और हाँ लास्ट में हुई इनके द्वारा सभी लैंड डीलिंग को भी इंक्वायरी कर लीजिए, खास करके रजिस्ट्रार तक जाकर कोई डीलर रुक गया हो तो उसे स्पेशल इंक्वायरी करना पड़ेगा। ओके सर। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। कोर्स खत्म करके 15 दिन से कॉलेज जा रही है। तुम लोग तो ऐसा सोच रहे हो जैसे पहली बार कॉलेज जा रही है। इस उम्र में ही वो कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और वो सुनकर हम खुश हुए थे। आज वो दिन आ गया इसलिए हम बहुत खुश हैं।
इतना बड़ा बैंक और एक ही मशीन ऑर्डर किया? ये तो मेरे समझ के बाहर है सर। ए, तुम चुप रहो, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कृष्णा, आओ बोलो कौन सी मशीन लाए हो। हाँ मैडम, ये नया है, जरा वो मशीन दे दे। सर मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हो? डेमो सर। मैडम एक बंडल दो, पहले जितना रुपया गिनना है उसको ऊपर रखिए और फिर उसके बाद थोड़ा रुपया साइड में डालिए, फिर सर। ओके सर। कृष्णा मैनेजर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, ओके मैडम। इसमें एक खास बात और है मैडम, अंदर से देखने की जरूरत नहीं, बाहर से सब दिखता है। चलो आप बाहर जाओ। मैंने तो सही डेमो दिखाया। कहिए सर। बहन के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई किया था। जी हाँ सर। वो कॉलेज का अप्रूवल इस साल कैंसिल कर दिया है सर। हाँ कृष्णा। तुम मेडिकल कॉलेज में जाकर पूछताछ कर सकते हो। हाँ ब्रदर, अपने बनाए जीजीएम कॉलेज के साथ इंडिया के पूरे 37 कॉलेज के अप्रूवल को कैंसिल कर दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो पहले वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं? इस साल के अप्रूवल को ही कैंसिल किया गया है, वो दोनों बैच कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। अरे भाई, रिकॉग्नाइज हुए हर प्राइवेट कॉलेज में हर साल एमसीए से एक इंस्पेक्शन टीम जाकर देखेंगे वहाँ क्या कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन करके पढ़ने के कोई फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना हो, तो उस साल की परमिशन रिन्यूअल नहीं करेंगे, बाकी पहले से अप्रूवल किए स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर वापस अप्रूवल नहीं मिल सकता? ऐसा नहीं बोल सकते, कॉलेज फैसिलिटीज एमसीए को सेटिस्फेक्शन हुई तो वापस रिन्यूअल दे सकते हैं, ये सब रेगुलर है। तो इस साल ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसमें किसी प्रकार का फायदा होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप गैर जिम्मेदार आदमी की तरह बात कर रहे हैं सर। अप्रूवल नहीं है या पहले अनाउंस करना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन ना करें। एडमिशन हो गया, कॉलेज शुरू हो गया, अब आप कह रहे हैं अप्रूवल नहीं है? थोड़ा शांति से बात करो भाई। एमसीए की अप्रूवल वेबसाइट में जाकर देखो, उसमें इस साल किस कॉलेज में अप्रूवल हुई है, किस कॉलेज की अप्रूवल कैंसिल हुई है, काउंसलिंग द्वारा कितनी सीटें अलॉट की गई है, मैनेजमेंट को कितनी सीटें अलॉट की गई है, ये सब अच्छी तरह से लिखा हुआ है। सर सर सॉरी सर, ये बहुत टेंशन में इसलिए बोल दिया, माफ कर दीजिए सर। अभी क्या करना है सर? जाइए और जाकर मैनेजमेंट से बात करिए, मैं भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बिना अप्रूवल के कैसे एडमिशन दिया पूछा तो भगा रहे हो? अपने भरोसे पर कैसे पढ़ाई करवाएंगे? मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता हूँ। फीस की वो रिसीट देकर अपना पैसा ले लो। फीस की बात कर रहे हैं, मैंने डोनेशन 50 लाख दिया था। वो 50 लाख किसको दिया, कहाँ दिया? जहाँ दिया वहाँ जाके ले लो, वरना कॉलेज कंटिन्यू करने की कोशिश करो। निकलो यहाँ से। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। शांति से बात करके देखेंगे। शांति से बात कैसे करूँ मैं सर, ये कोई मामूली बात थोड़ी ही है, स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है सर। भाई वो यहीं कहीं होंगे, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, उन्हें मत बताना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सर आप भी चलिए ना। नहीं नहीं भाई, मैडम को बिना बताए मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं चलता हूँ भाई, संभाल के जाना है। कृष्णा वो रहा। सर बोलो भाई। कॉलेज को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, इल्लीगल ओपन किया है सर। किसने कहा? हाँ मैंने एमसीए में जाकर पूछताछ कर ली, इस साल भी उस कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिलेगा बोल रहे थे। तो क्या कॉलेज बंद करने के लिए बनाया गया है? अभी तो निकल यहाँ से, कल बात करेंगे। बिना अप्रूवल वाले कॉलेज में एडमिशन दिला के आपने 56 लाख रुपए ले लिए सर। इसीलिए तो ये रेट है, अगर बाहर कम होता तो क्या तुम हमारे पास आते एडमिशन कराने के लिए? मैंने आपको पैसे दिए थे, आप ही जवाब दीजिए। तो उससे ही बात करेगा क्या? उसको दिया हुआ पैसा मेरे द्वारा ऊपर जाती है तब जाकर सीट मिलती है। ए, तू शांत रह। अब क्या करना है ये बोलो। सब गलत लग रहा है, मुझे पैसे वापस चाहिए। भाई पैसे तो वापस नहीं हो सकते, अपनी बहन को उस कॉलेज में पढ़ने दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पैसे वापस दीजिए नहीं तो फिर देख लेना। क्या रे, एक ही बात को तोते की तरह रट रहा है। सुन, अपनी बहन को पढ़ा या मत पढ़ा ये तेरी मर्जी। हेलो, आप हमें धमकी क्या दे रहे हैं? जो पैसे दिए हैं वो वापस मांग रहा हूँ, बहुत इज्जत से बात कर ली मैंने। ए, बस करो, बहुत हो गया, बस करो। टेबल पर पंगा हो रहा है। ए, वहाँ पे कौन पंगा कर रहा है? ए भाई भाई भाई, ये लोग बच्चे हैं, ये लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ए,
निकलो यहाँ से, बोला ना जाओ यहाँ से। ए, बोतल फोड़ता है, पैसे कैसे लेगा मैं भी देखता हूँ। मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, एक दिन तुम खुद ला कर दोगे। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना मार के यहीं गाड़ दूंगा। चल कृष्णा, चल जा यहाँ से। चल क्या? क्या हुआ वासु? मैं और कृष्णा चंद्रशेखर से मिलने गए थे। कृष्णा को फोन देना। बोलो। तुम लोगों को किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? अभी कहाँ हो? बहरामबाग। ठीक है, सुबह बहरामबाग पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दो, इंस्पेक्टर से बात मैं कर लूंगी। ठीक है, ओके। ए, हाथ मत लगाना रे। फोन नंबर देना। फोन नंबर नहीं दूंगी तेरे को। ज्यादा शान पट्टी मत कर, नहीं तो बेइज्जती कर दूंगी। ए ए, यहां क्या लफड़ा कर रहे हैं? चल चलो, सबको मैडम बुला रही है। ए तू भी चल ले। चल तू भी चल। चल आजा जल्दी। नमस्ते मैडम। ए क्या किया इनके साथ? तो खाना खा के चुपचाप जा रहे थे। हाँ, इन लोगों ने मुझे आवाज दी और हमें अपने पास बुलाया। मैडम मैडम ये झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रही हूँ। यही लोग मिलके हमको छेड़ रहे थे मैडम। ये झूठ बोल रही है मैडम? इन लोगों ने ही हमारे ऊपर हाथ डाला और हमें तंग कर रहे थे मैडम। हाँ मैडम, हमारी जेब में जबरदस्ती हाथ डाली थी। हमें भी तो लोग ऐसा वैसा कहते हैं, अब क्या हम सबको गलत समझते फिरे मैडम? तुम लोग निकलो यहाँ से। धन्यवाद मैडम। उन लोगों को भेज दिया मैडम तो फिर हुँ? नहीं, हम लोग भी चाहे इसलिए ऐसा बोला। कहाँ रहते हो? कोला पट्टी। वहाँ से यहाँ किस लिए आए? यहाँ पास में कुछ काम से आए थे मैडम, कुछ लाइटली। ठीक है, तुम लोग भी निकलो। बाय मैडम। क्या मस्त लग रही थी दोस्त, बगल में खड़े होके ऐसा लाइन दे रही थी कि मेरे तो होश उड़ गए। सुनो, उनका फोन नंबर और नाम लिख लो। ए, इधर आओ। इधर आ। अरे अब क्या परेशानी हो गई। चल फोन नंबर बता। जी साहब। क्या? सेल नंबर 9677281210। ठीक है, चल निकल। ठीक है सर। जरा नंबर तो चेक करो। जी। हेलो रमेश, मैं कुमार बोल रहा हूँ, कहाँ है तू? मैं रमेश नहीं हूँ, रॉन्ग नंबर है, फोन काटता हूँ। नंबर दिए 5 मिनट भी नहीं हुए। हाँ। और हमें ये चेक कर रहा है टोपी। टोपी को नहीं पता हमने कितने को टोपी पहनाई। सही बात है भाई। नंबर सही है मैडम, वही बोल रहा है। BMW व्हाइट कलर की कार, 8888 नंबर। जल्दी निकल। निकल। रख लिया सब। चलो ये निकलो, निकलो यहां से। चल जल्दी कर। ए धर्मा, यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी। ए रुक ना, इस कार को देखना। इस कार को तो जिंदगी में भी छू नहीं सकते, कितनी शानदार गाड़ी है ना। क्यों रे, बहुत ही जबरदस्त एसी होगा इसका, बिना एसी के रह सकते हो क्या तुम? ए पास में आ, आना।
क्यों डियर, इसका क्या दाम है? ए, चड्डी की बात कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दो। अराउंड 3000। अरे वाह, चड्डी 3000 रुपए में देकर खरीदी? क्या भाई, तू मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहा है? तेरे पीछे खड़ी हुई लड़की कहां समझकर तू मेरा हाथ पकड़ के बैठा है? हाँ छोड़ हाथ। ए, तू ऐसा क्यों घूर के देख रही है? हैं? तू क्या किसी को देखी नहीं है? चल मुंडे नीचे कर। ए, कोई आ जाएगा, जल्दी निकलो, मरने दो ने। ए, रुक जरा। क्या हुआ बेटा? ये लो। फोन है क्या? हाँ बेटा है। मैं नंबर बोल रहा हूँ, फोन करिए। व्हाट हैपेंड गौरव, कौन थे वो लोग तुम जानते हो क्या? कुछ तो जवाब दो गौरव। नहीं पता है डैडी, पैसा लूटने वाला थर्ड ग्रेड का क्रिमिनल है वो कहीं पर भी हो
आज की रात उसे नसीब नहीं होनी चाहिए। सड़क के बीचों बीच उसे जिंदा काट दूं। जाइए यहां से। सर एक कंप्लेंट लिखवानी है, इंस्पेक्टर साहब से मिल सकता हूँ? अभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में ध्यान दे रहे हैं, तुम लिख के दे दो। बैठ कर लिख लो। भाई क्या लिखा है दिखाओ जरा। कंप्लेन लेटर को कॉन्वेंट टीचर को जैसे लिखते हैं ना वैसा नहीं लिखना चाहिए। लिखो श्रीमान साहब सेवा में निवेदन यह है कि, ऐसे लिखना चाहिए। केस डिटेल बताओ। सर जीजे मेडिकल कॉलेज में मैंने मेरी बहन को एडमिशन करवाया था। उस सीट के लिए चिदंबरम नाम के आदमी को मैंने 50 लाख रुपए दिए थे सर, लेकिन अब पता चला है कि उस कॉलेज को अप्रूवल ही नहीं मिला है सर। जब मैंने दिए हुए 50 लाख वापस मांगे तो उसने हमें सत्या से मार खिलवाया सर, और कहा कि जिसको 50 लाख दिए है उसी से जाकर ले लो। मैंने कॉलेज में पूछताछ की तो वो लोग सही से जवाब नहीं दे रहे सर। अच्छा स्टेफन लोकेशन स्पॉट किया कर लिया सर। कार उटू कोटाई से प्रिया वल्लम आके रेड हिल्स वाया मधुरम रीच हो गई है। वहाँ से कोलातूर सिग्नल से 3:30 बजे क्रॉस हो गई। सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर। और तुम सुनो सर, उनका जीपीएस ट्रैक करो। 2 मिनट सर। हाँ बोलो करण। क्या हुआ? कार सिटी से बाहर नहीं गई, वेट करो लोकेशन का पता चलते इन्फॉर्म करो। कोई बात नहीं मैं लाइन पे रहता हूँ, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है सर। ट्रेस कर लिया है। हाँ करण कार। हाँ मैंने सुन लिया, कार चल रही है क्या? नहीं नहीं एक ही जगह पे रुकी हुई है। बोलो तो मैं एरिया पुलिस स्टेशन फोन करके इन्फॉर्म करूँ? नहीं 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 वो हम देख लेंगे, लेकिन सुनो बात हमारे बीच रहनी चाहिए, कार मूव करे तो हमें बताना। ठीक है। कार का पता चल गया है गौरव, जब कार का पता चल गया है तो उनको पकड़ना मुश्किल नहीं है, वो पकड़े जाएंगे। करण मुझे उसकी शक्ल देखनी है। ठीक है गौरव। सत्या क्या है भाई? कार का पता चल गया है, एमजी नगर में है। एमजी नगर में है? हाँ। कोई टेंशन नहीं भाई, अपने लड़के हैं वहाँ पर, काम हो जाएगा। कार लेकर आता हूँ भाई। एक काम करो कार के साथ सबको उठा के लाओ। फोन करता हूँ भाई। क्या रे भाई हैं? हाँ है। एक मिनट ऊपर आओ। भाई। हाँ नमस्ते। क्या बात है चंद्रशेखर? नाइट में एक पंगा हो गया भाई। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो स्कूल के बच्चे भाई। हा? स्कूल के बच्चे? वो हम सब लोगों को अंदर करवा देगा। ये क्या कह रहे हो भाई? मेडिकल कॉलेज में उसकी बहन को सीट दिलवाई थी मैंने, अब वो यहाँ वहाँ इंक्वायरी कर रहा है कि कॉलेज का अप्रूवल नहीं हुआ, वो पैसे वापस मांग रहा है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सत्या ने हाथ उठाकर गलती कर दी है, वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है भाई। ए, वैसा कुछ नहीं होने वाला। वो बात नहीं है भाई, इस धंधे में मेरी बड़ी इज्जत है भाई, इसलिए लोग मेरे पास सीट के लिए आते हैं। अगर उसने पब्लिक को बता दिया तो हम सब की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर प्रॉब्लम हुई तो हमें उसे पैसा वापस करना ही पड़ेगा भाई। ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या वो हर सीट का कमीशन दे रहा है? ए, बातें बंद करो। चंद्रशेखर तुम कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम जाके अपना काम करो। भाई मुझे जवाब दीजिए, प्रॉब्लम है या नहीं है? मैं सिर्फ आपके कॉलेज के लिए काम नहीं करता, अगर कल कुछ हुआ तो मैं उनका साथ दूंगा। तब आप बुरा मत मानिएगा भाई। चंद्रशेखर ऐसा होने नहीं देंगे, यहाँ पर कुछ और ही प्रॉब्लम है। एक काम करो अपने ऑफिस में वेट करो, वहीं आकर बात करता हूँ। ठीक है चलता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है पिताजी, मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही है, सब ठीक हो जाएगा दिव्या, हम लोग भी पूछताछ करेंगे, जल्दी ही सब अच्छा हो जाएगा। अब हम और कितनी परेशानी उठाएंगे, बड़ी मुश्किलों से इतने पैसे इकट्ठे किए थे हमने, तुम्हारे माँ बाप भी कितनी तकलीफ उठा के तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। ए पार्वती तुम क्यों रो रही हो? हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, वो लोग सब देख लेंगे। क्यों बेटा क्या कहते हो? पूछताछ के लिए बुलाएंगे ऐसा कहा था।
हेलो, कृष्णा बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। तुम एक काम करो, तुम फटाफट पुलिस स्टेशन आ जाओ। ये कंप्लेन तुमने किया है क्या? जी हाँ सर। तुम जानवी को कैसे जानते हो? सर उससे इसकी शादी हो रही है सर। आहा। अच्छा तुम्हारी बहन को मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कराया क्या? जी सर। चंद्रशेखर को कब से जानते हो? सर राजा मनी ब्रोकर है सर, उसके जरिए जानता हूँ। चंद्रशेखर से तुम्हारी लड़ाई हुई थी क्या? जी हाँ सर, उसके साथ जो सत्या था उसने मुझे और मेरे दोस्त को बेवजह मारा। बदले में तुमने क्या किया? सर मैंने कोई गलती नहीं, इसीलिए कंप्लेंट किया सर। हाँ तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया क्या? उसने यूं ही सुसाइड कर लिया। सर क्या कह रहे हैं सर, सुसाइड? हाँ यार, थोड़ी देर पहले हाथ कट के मर गया। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? तुम लोगों ने पहले से ही ये कंप्लेंट हमें दिया था, इसलिए मैं पूछताछ के लिए बुलाया हूँ। सर कंप्लेंट तो हमने की है, लेकिन चिदंबरम के सुसाइड से मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है, सॉरी। निकलो तुम लोग। चलो कृष्णा चलो। पापा आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आता हूं। सर कॉलेज की सीट के लिए उसे 50 लाख रुपए दिए थे सर। सुनो, जानवी की वजह से तुम्हें यहाँ पे इस तरह बिठा कर बात कर रहा हूँ, नहीं तो हमारे पूछताछ का तरीका अलग होता है। क्यों सर, धमकी दे रहे हैं क्या? तुम्हें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जबरदस्ती आके फंस गए हो। इरादा पक्का है, फालतू में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब जाओ यहाँ से। ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता सर, अब मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। क्या कहा बेटा? हैं? ए कृष्णा, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे क्या कहा उसका भी? ए, रुकेगा या नहीं? नहीं है। अंदर से क्या कहा? मैं क्या बताऊं पापा, कंप्लेंट करने पर केस उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेंट किया ना, थोड़ा इंतजार कर, जान भी से बात करेंगे। कंप्लेंट मतलब कुछ नहीं, पुलिस कभी भी न्याय के लिए काम नहीं करती। अगर वो काम करती है तो पैसे के लिए। अकेले जाकर पूछा तो धमकी दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। दिव्या के लिए हमें शहर में आए थे बेटा, अब वो नहीं तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते। अब तुम भी आ जाओ बेटा, हम सब गांव चले जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। नहीं पापा, मैं नहीं आऊंगा, मेरा कुछ काम है यहां पर। किसी एक की तो चाहत पूरी होने दीजिए। देख के बताना मुझे। नहीं सर, पहचान नहीं पा रहा हूं। ए कृष्णा, तू सच में नहीं पहचाना? गाड़ी नंबर से उस ड्राइवर को पकड़ लिया, एक्सीडेंट के वक्त उसको देखा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि नहीं ये नहीं जानता, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताया तो मैंने, कंप्लेंट की तो मुझे बुला के धमकी दी उन लोगों ने। अब मैं पुलिस से कहूंगा कि मेरी बहन को मार दिया तो मुझे ही फंसा देंगे। मैं अच्छे से जानता हूं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक्सीडेंट के आड़ में किया हुआ खून है। और ये साजिश किसने की है ये मैं जानता हूं, वो सत्या है। तो सत्या को ऐसे छोड़ देंगे, उसे मारेंगे हम? जो बात हमें पता चली वो सारा शहर जानता है। उस चेयरमैन को अरेस्ट करके कॉलेज को सील कर दिया गया है, पढ़ाई गई। अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा ये कहकर 3 दिन से स्टूडेंट्स भूख हड़ताल कर रहे हैं।
उनकी किसी को परवाह नहीं है। तो कौन परवाह करेगा, शहर में फ्रंट न्यूज बना हुआ है। फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल होने के लिए ये यो-यो सॉन्ग नहीं है और ना ही ये आईपीएल मैच है। या लोगों के पास और भी काम है कृष्णा। चुप कर, हमारी दिव्या जिंदा होती तो यहाँ पर होती, तभी तो ऐसे ही बात करता। यही बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब तुझे पता है सत्या ने मारा है तो इस बात को जानते हुए तू चुप क्यों है? जैसे तुम सोच रहे हो वैसे उसे मारना आसान नहीं है। प्रॉब्लम खत्म करना बड़ी बात नहीं है, उस वजह से दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी हो ऐसा काम करना बड़ी बात है। स्टूडेंट्स का फैसला होने तक हम इस पर सोचेंगे नहीं। हम इसमें क्या कर सकते हैं यार? कर सकते हैं यार, दर्द भुलाकर, गुस्सा दबाकर, शांति से सोचेंगे तो पता चलेगा। बात सिर्फ सत्या की नहीं और भी बहुत से लोगों की है। सिर्फ कंप्लेंट करने पर जो लोग कत्ल कर सकते हैं वो लोग किस हद तक जा सकते तुम सोच लो। मिडिल क्लास वाले ऐसे गुंडों से डरते हैं इसलिए उन गुंडों की हिम्मत बढ़ी हुई है, लेकिन यही मिडिल क्लास वाले उल्टा हमला करेंगे तब पता चलेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सत्या जिंदा चाहिए किसी भी हाल में। उसके लिए मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए। मिस हो गया यार वो सत्या। 10 फीट की दूरी पे वो घोड़ा लेके खड़ा था, निशाना भी लगा लिया था। अगर बॉस ना आते तो वो हमें खत्म ही कर डालता। थैंक्स बॉस। बॉस तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दिखने में तो डिसेंट लगते हो, लेकिन तुम उसे फॉलो क्यों कर रहे थे? क्यों बॉस, जो नहीं पूछना था वो पूछ लिया क्या? बहन को डॉक्टर बनाना था, उसके एडमिशन के लिए उसने मुझसे धोखे से पैसे ले लिए। वही पैसे वापस मांगे तो उसने मेरी बहन को मार दिया। कौन? जो मुझे खत्म करने आया था? हाँ, बस वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2-4 लोग और हैं। उसे उठाने के बाद सोचा था बाकी के हाथ में आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं उन लोगों को कैसे उठाऊं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं बॉस, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब वो चाहे जितने भी लोगों, हम उन्हें उठा लेंगे। क्या बोलते हो तुम लोग? ठीक है धर्मा, उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो तुमको क्यों मारना चाहता था? सिर्फ एक बार नहीं, 2-2 बार। धर्मा एक मिनट, तुमने क्या नाम बताया? जीजे मोटर्स ओनर्स का बेटा, नाम है गौरव। गौरव, क्या कह रहे हो धर्मा? वही तो कॉलेज का ओनर है भाई, और हमें उसे ही उठाना है। हाँ उसे। तू भी ना पैसा लेके आ जाते, इस गाड़ी को लाने की क्या जरूरत थी? ये कोई साधारण गाड़ी है क्या? अमीर लोगों की गाड़ी है ये। हम कौन हैं अभी उन्हें पता चला होगा, अगर हम हाथ आ जाते तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते। मेरी गलती है यार, अभी मैं क्या करूं? तुम थोड़ा चुप रहो और सुनो, किसी स्टेशन के पास गाड़ी छोड़ देंगे, तब तक लड़कों को कहीं भी जाने के लिए मना करना। देख कौन है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रे, पार्टी के पहचान वाला है, इसकी पार्टी फॉरन में सेटल हो रही है। इसके पार्टी के घर में 2-3 कारें हैं, बहुत अर्जेंट है, एक साथ सब बेचने की बात कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी लेके चला आता है। भाई भाई नाराज मत होना, थोड़ा अर्जेंट है, पार्टी बाहर खड़ी है, पैसे का ऊपर नीचे चलेगा, पहले गाड़ी देख तो लो। क्या बोल रहे हो धर्मा? कहाँ जाना है? नागपाड़ा जाना है, चलो गाड़ी से चलते हैं, आ जाओ। हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे। अपनी गाड़ी कहाँ है? देवा ट्रायल के लिए ले गया है, अभी आ जाएगा। ये है वो भाई। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। धर्मा नमस्ते भाई, तो तुम्हारा नाम धर्मा है? हाँ। कितने साल से हो इस धंधे में? 10-12 साल से। ओनली लोकल या फॉरेन का भी करते हो? बोलो भाई। अरे बोलना, गाड़ी चुराएगा भाई से हाथ डालेगा मेरे? सत्या गाड़ी में डालेंगे, चल तेरी तो। Thank you.
सबको गाड़ी में डालो डालो सबको चलो रे भाई भाई हमसे गलती हो गई भाई भाई प्लीज प्लीज भाई हमें छोड़ दो ना भाई प्लीज तुझे छोड़ दो इतनी आसानी से जिस आदमी के पास होटल कॉलेज और इतनी बड़ी कंपनी हो उस जीजीएम ग्रुप के ऑनर गौरव की तू गाड़ी उठाएगा और हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे हम एक एक करके तुम सबको मारेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे आसान नहीं है बॉस एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों एक मिनट मारना बंद करिए सर कौन जानवी एस आई आप इन्हें क्यों मार रहे हैं सर किसकी बात कर रही हो आप फर्स्ट वाला कृष्णा सत्या मर्डर केस में एविडेंस न होने से छुप रहे थे पूछताछ करने से ये तीनों ही एक्यूज नोटेड हुए इसने तो सत्या और चंद्रशेखर पे कंप्लेंट भी ठोक दिया था चंद्रशेखर ने तो पहले ही सुसाइड कर लिया था इसलिए मैं इनसे पूछताछ कर रहा था सॉरी सर ये ऐसा आदमी नहीं है मैं इसे पर्सनली जानती हूँ मेरे कहने पे चंद्रशेखर और सत्या पे कंप्लेंट किया था ठीक है अब मुझे इनसे कोई पूछताछ नहीं करनी है आप अपने गारंटी मुझे लिख कर दीजिए और ले जाइए इसे थैंक यू सर हाँ बोलो गौरव सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्ट करेंगे हाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का क्या सॉल्यूशन है ये एमसीआई और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें हमें पता था एक काम करो गौरव आप स्टेट मिनिस्टर से बात करके देखिए मैं भी अपनी साइड से बात करके देखता हूँ इस मैटर पे फोन पे बात नहीं करेंगे क्या कहा मिनिस्टर ने बकवास कर रहा है कुछ सोचना पड़ेगा गौरव पिताजी को बेल कॉलेज का मैटर खत्म होने तक उनका अंदर रहना ही अच्छा है बाकी देख लेंगे एडवोकेट को फोन करिए हाँ
करण, सत्या से मिले थे ना, क्या हुआ? सत्या जवाब दो। सब तरफ लॉक किया तो क्या मैं एस्केप नहीं हो सकता हूँ क्या? हाँ बोलो भाई। सॉरी धर्मा, थोड़ा लेट हो गया। क्या बॉस, तुम भी इतना बड़ा रिस्क लेकर तुमने हमें सेव किया, सॉरी मत बोलना। अंदर आइए, आइए, आजा, बैठिए बॉस। ये लो धर्मा, तुझे बात करनी है तो इससे बात कर, लड़कों को सेफ रहने के लिए कहो। और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? पुलिस और गौरव ढूंढ रहे हैं, थोड़ा मामला शांत होने दो। तब तक हमें क्या करना होगा? फिलहाल कुछ मत करो धर्मा, मैं बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है? चलता हूँ धर्मा। ए कृष्णा, ये तू क्या कर रहा जानता है? उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? मैं उसे मारना चाहता हूँ। और ए, इसे मारना नहीं, गौरव का पर्दाफाश करना ज्यादा जरूरी है। अब इस खूनी खेल में धर्मा को यूज करेंगे। अब सांप को कैसे पार करना है और सीढ़ी कब चढ़नी है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। अब चलो। ए, लड़कों को फोन लगा। हेलो, मैं सागा बोल रहा हूँ। एक मिनट सागा, ए दुकान देखना जरा। ठीक है भाई। भाई सागा का फोन। हेलो एरोन, वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं रे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मस्ती से खा पी रहे हैं। ए, क्या हुआ रे? अरे कहाँ क्या हुआ रे, अरे तुम लोग कहाँ पे हो? देवा की मौत अभी तक भूल नहीं पाया मैं। ऐसा लगता है वो हमारे साथ है। तुम लोग कैसे देवा की मौत को भूल गए? मैंने फैसला कर लिया है, तुम लोग आओ या मत आओ, आज रात में उसे खत्म कर दूंगा। ए अरुण, मेरी बात मान, ऐसा मत करना। ए, वो गौरव को उठाने की बात कर रहा है भाई। ए अरुण, ए धर्मा, पैसे के लिए तो तूने बहुत हिम्मत दिखाई दे, लेकिन क्या अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं करेगा? बोल ना भाई, बोल ना धर्मा। करेंगे यार। अरे मत मारिए मैडम। बताना। मैं बताता हूँ मैडम। बोलना। मैंने मना किया था मैडम, वो अपने हस्बैंड से डर गई इसलिए मुझे धर्मा नाम के गुंडे के पास लेके गई थी मैडम। उसका हस्बैंड मुझे कुछ कर देगा ये डर से मैं उसके साथ चला गया था मैडम, सॉरी मैडम। नंबर है ये मैडम। क्या रे, बहुत बड़ा आशिक बनता है क्या? अभी तो सही से मुझे भी नहीं निकली। पति के मरने से पत्नी दुख में रहती है और तू इसके साथ घंटों फोन पे बात करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि पति को गुंडों से मरवा डाला। धर्मा का फोन नंबर है क्या, समझ में आया या नहीं? ठीक है मैडम। सुधाकर, मैडम नंबर लेके चेक करो एक्टिवेट है कि नहीं, चेक करके ट्रेस करना। ओके मैडम। धर्मा को देखा था क्या? नहीं नहीं साहब, हमने नहीं देखा। वो कहाँ मिलेगा? वहाँ पर एक गैरेज है, वहाँ जाके देखिए। अरे भाई, फाइव स्टार गैरेज धर्मा, और उनके लड़कों को देखा है क्या? धर्मा का चाय दुकान से क्या संबंध, कहीं पी के पड़ा होगा, उधर देखिए, जाइए। ठीक है भाई। धर्मा का घर कहाँ है जानते हो? उसके पास घर कहाँ है, कहीं पी के सो रहा होगा। ये नहीं जानता सर, चलो। भाई घर में कोई नहीं है भाई, घर तो कई दिनों से बंद लग रहा है। ठीक है आजा। ओके भाई।
रोज यहीं से जाते हो क्या? हमेशा हम इसी रास्ते से जाते थे सर, अचानक से कचरा गाड़ी आ गई तो हमने रास्ता चेंज कर दिया सर। वो कितने लोग थे? 4 लोग थे सर, मुंह ढके हुए थे और उनके हाथों में चाकू भी थे, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि सर की गन जो है डैशबोर्ड में रखी हुई है और मैंने तुरंत निकाल करके गोली मार दी। ये वेपन सर, मैं इनको ले जाऊं क्या? ओके सर, आप निकलिए, स्टेटमेंट ले रहे हैं, इंक्वायरी और बाकी के फॉर्मेलिटीज हैं, गन की ओरिजिनल लाइसेंस लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइए। ओके सर, थैंक यू। सरवन, जल्दी बॉडी हटा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। धर्मा, यही है क्या? नहीं नहीं, चलो चलते हैं। इसका नाम अरुण है मैडम। ये धर्मा का साथी है मैडम। ये सब लोग गैरेज में एक साथ रहते हैं। मुझसे बिना पूछे चले गए, अब अंजाम देख रहे हो ना? अरुण मर गया, अब खुश हो गए तुम लोग? देख सागा, बड़ी रिस्क लेकर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ठहराया है, समझे ना तुम? तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा मेरे दिल में भरा हुआ है। थोड़ा टाइम लेकर काम करेंगे कहा था ना, एक गलती करेंगे ना तो सबको उठाकर लेके जाएंगे, फिर समझ लेना। धर्मा, तुमको भरोसा है तो यहाँ पर रुको, वरना यहाँ से जा सकते हो। उसे कैसे मारना है ये मैं जानता हूँ। सॉरी कृष्णा, हमें पूरा भरोसा है कि आज हम चारों गलती करके फंस गए थे, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, गुस्सा और जल्दबाजी में काम कर गए। आगे हम सोच समझ के काम करेंगे कृष्णा। सुना है कि हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम सभी को कॉलेज बदल देना चाहिए, या तो GGM कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर दो। दोनों में स्टूडेंट्स के लिए अलग क्या है, वही कर लेंगे। सर, हमने अप्रूवल कैंसिल किया था क्योंकि वहाँ सही इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज नहीं थी। वो सही किया तो भी इस साल गवर्नमेंट कैसे अलॉट कर सकती है? तो क्या स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में शामिल कर सकते हैं? उसमें भी तो प्रॉब्लम है सर, इन सबको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल के होल द रिकॉर्ड ज्वाइन कराया है। अगर इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में सेम बैच में अगर ज्वाइन कराया तो जो बैच में है वो स्टूडेंट तो प्रॉब्लम करेंगे ना, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा सर। करंट ईयर में इसे अगर सीट अलॉट नहीं कर सकते सर। उसके लिए हमारे पास और भी सजेशन है, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डी फार्मा, बी फार्मा और उसके साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। उसमें स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कोर्सेज को गवर्नमेंट के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की भी जरूरत नहीं है सर। आप लोगों की क्या राय है? अगर हमने पहले इंक्वायरी कर ली होती तो हम इस कॉलेज में ज्वाइन करके धोखा नहीं खाते, हमारा पैसा और साल दोनों बर्बाद हुआ है। अब हम क्या सबके सामने रोते रहेंगे सर? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या है ये सब? क्यों कर रहे हो ये मीटिंग? आप लोग ही सवाल करेंगे, आप लोग ही जवाब देंगे, तो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया? कॉलेज गवर्नमेंट के नाम करके हाथ मिलाने के लिए आया हूं क्या? अप्रूवल के बिना एडमिशन दे दिया ये मानता हूं, उसी कॉलेज की वजह से मेरे डैडी अरेस्ट हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, और इसी अप्रूवल को पाने के लिए सभी स्टूडेंट्स यहां पर इकट्ठे हुए हैं। करण जी, ये रहे स्टूडेंट्स के साइन किए हुए NOC लेटर्स। सर, ये झूठ बोल रहा है, ये हम लोग के साथ फ्रॉड किया है। तुम्हारी दी हुई फीस के पैसे कॉलेज अकाउंट से गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, अब क्या है? गवर्नमेंट ने रिफंड किया था लेकिन सिर्फ हमारी फीस, और बाकी के स्टूडेंट्स जो 50-60 लाख रुपए दिए थे उनका कौन वापस करेगा? कैपिटेशन फीस? आप लोग कॉमेडी कर रहे हो क्या? हमारे पास पैसा कमाने के लिए और भी बिजनेस है, जनता की सेवा करने के लिए हमने ये कॉलेज शुरू किया। अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं तो उसे डोनेशन लेकर के सीट देने का काम हम बिल्कुल नहीं करते। सर, एजेंट के थ्रू 4-5 लाख देकर हमने सीट कंफर्म की थी सर। किसको दिया आपने पैसा, कौन है वो बताइए, रिसीट है आपके पास, दिखाइए मुझे। अगर ये सच है तो इस बात को प्रूफ कीजिए, आपका जितना भी पैसा होगा 1 घंटे के अंदर वापस कर दूंगा। फंड प्रॉब्लम की वजह से उस जमाने में सरकार एजुकेशन को प्राइवेट के लिए दिया, लेकिन जो लोग बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन, बुक्स के लिए फीस, लाइब्रेरी फीस, बस ये वो बोलकर सरकार की तरफ वो लोग कमाने लग गए, इसलिए इसको दिए पैसे को आधा कर देने से पूरा कर देने सोच के मेडिकल पढ़ने के लिए बहुत सारे लड़के रसिया, चाइना, क्यूबा में चले गए। इतना खर्चा कर दिया तो मेडिकल का फ्री में करने के लिए बना हुआ है, जितना पैसा भरा वो जल्दी वापस लेने की कोशिश करेंगे। क्यों फालतू बातें कर रहे हैं सर, मैं अभी कह रहा हूँ इस कॉलेज को अप्रूवल दे दीजिए, मैं इसे रन करूँगा। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। सुनो, ये पेरेंट्स जिन जिनको पैसा दिए थे सारे एजेंट्स को पकड़ के पूछताछ करो।
सुंदर सर है क्या? सर वो दो दिन से घर से बाहर हैं। आज आने वाले थे लेकिन सुबह से फोन ट्रैक कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है सर। मई और जून का महीना आया नहीं कि बस कॉलेज सीट स्कूल सीट के पीछे भागते भागते ही जिंदगी बीत जाती है। चल अंदर, सचिन बाद में बनना, चल अंदर तू भी चल। आज तो इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। सर सुंदर घर पे नहीं है। ओके सर, बच्चों का एडमिशन समझ बूझ कर कराना चाहिए था, अब इसका जवाब कौन देगा? हाँ, ये सब लोग एक साथ कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ ढूंढे। इन चारों की कीमत 30 करोड़ है। टू एक्सपेंसिव। इस दुनिया में पैसे वालों की सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। पहली, जो खुद मेहनत करके कमा के धीरे धीरे डिवेलप करके यहां वहां भटक कर आगे बढ़ते हैं और फिर अमीर बन जाते हैं। दूसरी, मेरे जैसे अमीर बाप के घर में पैदा होते हैं लेकिन उनका मकसद जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना होता है। लाइक आई कैन नॉट, मुझे पता है जिंदगी में पैसा कैसे बचाया जाता है, लाइक अ मैजिक। बहुत मेहनत का काम है ये। बहुत साल पहले ये फैक्ट्री एक छोटी सी लेबर प्रॉब्लम की वजह से बंद करनी पड़ गई थी। उस दिन से आज तक ये बंद है। उस दिन मेरे डैडी को क्या क्या फेस करना पड़ा था तुम लोग ये नहीं जानते हो। कॉलेज को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म करने का मैंने डिसाइड कर लिया है। अगर ये चारों फंसे तो सिर्फ हाथ से पैसा ही नहीं, 50 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी जाएगी। खत्म कर दो, लेकिन इन सब की बॉडी पहचान में नहीं आनी चाहिए। स्मैश देम। पैसों के लालच में ये चारों मारे गए। क्लासिक मर्डर। सर, आपके हाथ जोड़ते हैं। हम बहुत उम्मीद से आए आपके पास, बहुत भरोसा है आपके ऊपर। हमें छोड़ दो सर, हमें छोड़ दो। मैडम एक मिनट।
करण सर हैं क्या? नहीं, वो तो अभी अभी बाहर गए। ओ, अभी निकले हैं? उन्होंने बुलाया था। कोई बात नहीं मैडम, मैं फोन करता हूँ। ओके मैडम। हाँ? थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ। गौरव बिनामी ने जो मेरे नाम से प्रॉपर्टी ली है उसे लीगली गौरव के नाम पे कर दीजिए सर। गौरव की जानकारी के बिना? गौरव से इस बारे में मैं बात कर लूंगा सर। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जरूर करूंगा करण, सिर्फ तुम्हारे लिए। हेलो कृष्णा, वो निकल रहा है, हमें क्या करना है? क्या बोला? कार को फॉलो करो कहा है। अनु क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अनु बोलो जल्दी, अनु क्यों रो रही हो बताओ मुझे। वो मैं बताता हूँ करण। तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? तू मुझे जान। शांत 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 रहो करण, मैं जो बोलूंगा वही करना। डिस्प्ले से अगर एक सेकंड के लिए भी इधर उधर हुए ना और होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारी अम्मू का ये आखिरी दिन होगा, समझ लेंगे। मुझे क्या चाहिए? पहले तुम कार स्टार्ट करो, फोन ऐसी जगह रखो जहाँ से तुम्हारी शक्ल दिखा। ए बता रे, मुझे क्या चाहिए? शक्ल दिखा अपनी। दिखा शक्ल। शक्ल दिखाने के लिए 60 लोगों का साथ होना जरूरी है। तो स्टूडेंट ग्रुप का है क्या? ए, तू बहुत गलत कर रहा है। बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। 60 लोगों से जो डोनेशन लिया है उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। डोनेशन डिटेल वो गौरव ही जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। तेरी हर बात मानने के लिए मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। तेरा और गौरव का क्या लिंक है ये जानता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। अरे वो कैपिटेशन फीस का कोई प्रूफ नहीं होता है। ए, अन्नू को कुछ मत करना। ए, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सारी डिटेल्स दूंगा, उसे कुछ मत करना। जल्दी पीछे मुड़ कर देख। बाइक पर दो हेलमेट पहने हुए लोग हैं ना? हाँ, सारे डिटेल्स उन्हें दो। तब तक तुम लाइव रहो। याद रखो लाइन कट नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे का समय दे दो। ए, मैं सब कुछ दे दूंगा मगर उसे कुछ मत करना प्लीज। थोड़ा म्यूट करो। बोलो। कृष्णा वो गाड़ी से उतर के किसी बिल्डिंग में गया है, कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है। ठीक है, वहीं पर वेट करो। हेलो धर्मा, क्या हुआ? वेट करने के लिए कहा है। अभी तक हम वेट ही तो कर रहे हैं। गौरव भी उसी बिल्डिंग में जा रहा है, ये हमारे लिए सही मौका है, क्या कहते हो? गलती मत करो, मैं बताऊंगा, तब तक वेट करो। अभी भी वेट करने के लिए कह रहा है क्या? फोन अनम्यूट करो। करण काम हो गया? हाँ हो गया। बोलो। जल्दी निकलो, गौरव ऑफिस आ रहा है। क्या हुआ करण, क्या कर रहे हो? वो ऑडिटर ने एक फाइल मांगी थी इसलिए। राम अंदर आओ। मामला गंभीर बना हुआ है, कभी भी आग लग सकती है। यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और ये स्टूडेंट्स किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने ऊपर केरोसिन डाल रहे हैं। उस लड़के को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ सर, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, बेहोश हो गया था लेकिन बच गया। क्यों करण, अगर वो स्टूडेंट मर जाता तो क्या हो जाता? बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी सर, बाकी के कॉलेज स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते थे और मीडिया भी चुप नहीं रहती थी, कॉलेज बंद करने की नौबत आ जाती थी सर। उन स्टूडेंट्स में से कोई एक सुसाइड करके मरना चाहिए था,
इस हड़ताल के खत्म होने से पहले ये हो जाना चाहिए। ओके सर। सुसाइड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा सर। करण, एनी प्रॉब्लम? वाइफ के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो चलता हूँ। हे, बाहर आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आने दो। आ गया। पास में आने दो, देखते हैं। ये लो, और जाओ जल्दी। हेलो कृष्णा। बोलो। करण मुझे एक फाइल देकर कार के पास जा रहा है। जानता हूँ, तुम गोडाउन में आ जाना। तो उसे? वो मैं देख लूँगा, तुम जल्दी आ जाओ। आप क्या बोल रहा है वो? हमें गोडाउन में आने के लिए कहा है। अरे उसने हमको समझ क्या रखा है? कभी बोलता इधर जाओ, कभी बोलता उधर जाओ, अब गोडाउन में वापस बुला रहा है। अन्नू। हे भगवान, मुझे माफ कर दो अन्नू। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं करण? ये कौन सा काम है? मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। ये काम, ये पैसा, ये जगह, ये सब कुछ छोड़ के मैं जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो मेरे मुंह से सारी बातें उगलवाने के लिए तुम्हारी कदम पर चाकू रख दिया था। नहीं करण, नहीं। उसने जो किया सही किया। अगर वो ये सब नहीं करता तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ही नहीं चलता। इन लोगों के लिए मैं अब तक आपसे बात कर रहा था। मेरा काम गलत लगे तो आप पुलिस को फोन कर सकती हैं। नहीं तो हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने पति को फोन कीजिए। अगर वो चाहता तो उस वक्त वो तुमसे अपना पैसा किसी भी कीमत पर वसूल सकता था। करण, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है करण, उसके पैसे ले जाकर वापस कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो मुझे मार डालेगा। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, बाकी स्टूडेंट का? एक मिनट वासु।
करण मैं हूँ, सो गए थे क्या? नहीं गौरव, बोलो। सब कुछ ठीक से हो गया ना? गौरव। गौरव ही हूँ। गौरव तुम क्या पूछ रहे हो? मैं क्या पूछूं करण, मेरी गैर हाजिरी में मुझे सब कुछ पता चले इसलिए तुझे रखा है। अब तू ही मुझसे बातें छिपाएगा करण तो कैसे चलेगा? हेलो हेलो सर, कहा था ना सर करण बहुत शार्प आदमी है। करण लाइन मत कट करना। रुको रुको करण, कट मत करना। मैं तेरे बारे में कितना कुछ सोच रहा था लेकिन तूने ऑफिस में आकर मेरे डॉक्यूमेंट्स ही चुरा लिए। मैंने उस लड़के को उठवाने की कोशिश की तो तूने उसे बचाया। क्या हो गया है तुझको करण? नहीं गौरव, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ ना। गौरव हम गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं गौरव, इस गलती की सजा कल मेरे बच्चे को भी भुगतनी पड़ सकती है गौरव। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? अच्छा वो तेरी वाइफ को धमकी देगा तो तू गद्दारी करेगा? गौरव मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तेरी वाइफ और तेरे होने वाले बच्चे को अब जरा संभाल कर रखना, तेरी जिम्मेदारी है ना। गुड नाइट। करो करो मेरे। लिया ना पब्लिक प्लेस में ना करके सीधे उनके घर में अकेले घुस के कर दिया। बॉस बहुत शार्प है। ये सब तो ठीक है, बॉस बहुत शार्प है, ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? और अब गौरव को कैसे उठाना ये बताओ। अगर वो लोग करण के घर के अंदर पहुंच सकते हैं इसका मतलब उनका अगला टारगेट मैं हूं। अरे नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी इतनी हिम्मत कहां कि वो आप तक पहुंच पाएगा सर? वो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है मतलब उन लोगों का कोई पहचान वाला है, वरना कोई इतना रिस्क क्यों लेगा? वो लोग आंदोलन कर रहे हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करण को धमकी देकर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने चाहिए थे। धनशेखर जी भाई, आपने 52 लाख दिए थे ना? हाँ भाई। दीपिका। हाँ भाई। आपने 56 लाख दिए थे ना? हाँ भाई 56 लाख दिए थे। सर सर ये मेंटेन करने वाला कोड है सर, किस स्टूडेंट से कितने पैसे लिए ये नोट किया गया है सर। मतलब A5 B5 पैसा है क्या? हाँ सर, अगर तारीख से देखें तो ये सब सही है।
हम इसे प्रूफ कर सकते हैं सर। अरे करेंगे कैसे, लेकिन ये छोटे छोटे फाइल के कटिंग, पेपर कटिंग कोई सबूत तो नहीं है ना गौरव, इसे आसानी से तो नहीं देगा। हमारी आखिरी उम्मीद करण था, अब वो भी नहीं रहा। एयरटेल के ऑफिस से मेल आया है, जिस नंबर की इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं वो पहले दो बार डीएक्टिवेट किया गया है, इसीलिए तीन लोगों के एप्लीकेशन फोटोज और डिटेल्स भेजे हैं। उसमें से एक ये धर्मा है, जयंती से कंफर्म करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर भेजे हैं मैडम। कार नहीं है धर्मा, वेट करो। तुमने खुद फैसला करके क्या हासिल किया जरा सोचो। करण भी नहीं रहा, तुमसे कोई सवाल करने वाला भी नहीं है। अनुभव की कीमत होती है याद रखना गौरव, और इज्जत देने वाला हमेशा ऊपर ही रहता है। कोई चांस नहीं है, ये डायलॉग बहुत पुराना है डैडी, बिल्कुल आपकी तरह। आप यहाँ रहकर आराम कीजिए, कॉलेज जल्दी शुरू होने वाला ये खबर मैं जल्द ही दूंगा। बाय डैडी। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन था कृष्णा? पता नहीं धर्मा, रॉन्ग नंबर था। कृष्णा गौरव, अब जाओ धर्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, कौन है? कौन हो सकता है? भाई हम ग्लोबल टेक से आ रहे हैं, काउंटिंग मशीन को ठीक करने के लिए बुलाया है। थोड़ा वेट करिए। हेलो, कौन बोल रहे हो बताओगे? कुछ नहीं सर। आइए अंदर आइए। ओके सर, मैं ग्लोबल टेक से बात कर रहा हूँ। हम ऑफिसेज में मनी काउंटिंग मशीन सप्लाई करते हैं। ओके आपकी मशीन के लिए एक फ्री सर्विस है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्टाफ को भेज देता हूँ। हाँ कभी भी आ सकते हो, आने से पहले फोन कर लेना। थैंक यू सर। कौन है आप? हम ग्लोबल टेक से आ रहे हैं, राम सर ने बुलाया था। ओके जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ग्लोबल टेक से काउंटिंग मशीन ठीक करने के लिए आया हूँ सर। हाँ वो मशीन अंदर है, एक मिनट रुको मैं लेके आता हूँ। सर काउंट के लिए कैश चाहिए। थोड़ा वेट करो। Thank you.
चल अंदर आ। कौन है ये? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अंदर कैसे आया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। सर वो ग्लोबल टेक से आया था, कह रहा था। उसके नंबर पर फोन करो। हेलो सर, ग्लोबल टेक से मशीन सर्विस के लिए कोई आया है सर? सर ग्लोबल टेक से सर्विस के लिए और कोई आया है सर? सर हाँ, उसे भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं राजा। मशीन ओ यहाँ है क्या? लूज नोट मशीन है, मैंने तो सोचा था बंडल नोट काउंटिंग मशीन होगी। ओके सर, ये ले लूँ चेक करने के लिए सर? हमारी मशीन की एक साल की गारंटी है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बराबर तो है सब, ठीक है। आइए ना सर, आप एक बार चेक कर लीजिए। सर अगर आप एक बार चेक कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलता हूँ सर, चलता हूँ सर। ये तो इशारे में बात करता है, गूंगा है क्या? सर जो आया था वो भी ग्लोबल टेक ही कह रहा था। तो क्या डाउट है, कॉल करो उसे। हेलो ग्लोबल टेक, मैं GGM ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। आपके ऑफिस से स्टाफ बोल के एक लड़का आया था। जी सर बोलिए ना। उस लड़के का नाम क्या है? राजा। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। ओके सर। सर सर आपको कभी भी नया मशीन चाहिए हो तो कॉल कीजिएगा। सर मैं सच में कुछ नहीं जानता सर। सर सब क्या है? तूने मेरी सारी डिटेल्स उस आदमी को लीक कर दी है ना? सर सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। तो तू क्या जानता है? हेलो गौरव, मैं धर्मा बोल रहा हूँ। वहां मैं आया था। तुम मुझसे नाराज हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अभी ये बात जाने दो। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उसने तुम्हारे सारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया। अभी वो मेरे पास ही है। तू ऑफिस तक आकर कैसे बच गया मैं ये सोच रहा हूँ। अरे रे सुनना, तेरे फोन पे दो फोटो भेजी है, पहले वो देख। धर्मा। मैं धर्मा ही हूँ। तुमसे डॉक्यूमेंट्स कैसे ले लिया मैंने देखा। तुमने मेरी शक्ल तो देख ली ना। अब तो मुझे छोड़ोगे नहीं। तुझे परेशान करने वाले को मैं ला करके देता हूँ। तुझे क्या चाहिए बोल। मुझे क्या करो, इस गेम से मुझे छुटकारा दिला दो और सेटल होने के लिए कुछ पैसा लो। कितना चाहिए तुझे? तुम खुद बोलो। 20 लाख। अरे ये क्या तुम? 30 लाख, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाने से पहले देना होगा। ठीक है 50 लाख फाइनल करता हूँ। जानता हूँ ये पैसे वालों की पहचान है। पैसा फाइनल हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। कहाँ पर लाना है तुम बताओ? जहाँ हम पहले मिले थे उसी जगह पर। लाता हूँ, मुझे चड्डी में मत खड़ा करना। नहीं करूंगा, जल्दी आ। नहीं मैं उसे अकेले ही लेकर के आऊंगा, तुम्हारे साथ में तो लड़कियां होंगी ना। अकेले आ जा, जल्दी आ। तू पागल हो गया क्या? खुद क्यों फंस रहा है? गौरव को मारने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तू? कृष्णा नहीं जानता,
अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार चुका होता, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा फैसला मिलेगा ये सोचकर अब तक चुप रहा। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स को ही मारना चाहता है, इसलिए उसे मारना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, धर्मा और सागा मेरे साथ हैं। इस बैग में 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, इसको मारकर पैसे ले लेना, ये तुम्हारे हुए। अम्मा, किसी भी हाल में गौरव हमें नहीं छोड़े, हम कृष्णा के रास्ते से चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसा बराबर नहीं दिया तो हम कृष्णा को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो कृष्णा से गौरव को खत्म करवाएं। गौरव कृष्णा को मारे या कृष्णा गौरव को मारे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस हमारे पैसों से मतलब है। Oh!
तू इसे मार कर पैसे ले ले, मुझे छोड़ दे। त्रिलोक, अपने सागर को गौरव ने मार दिया। कृष्णा उसे गन दिखा रहा है, वो उसे मार देगा। आप यहाँ जल्दी आ जाओ। मैं त्रिलोक नहीं, मैं कांस्टेबल सुधाकर हूँ। मुझे पता है तुम लोग कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। नहीं कृष्णा, नहीं। भाई, अगर इसे मारकर हमारे पैसे वापस मिलेंगे तो पैसों के लिए किसी की जान लेना गलत नहीं, ये बात सच साबित हो जाएगी। बिना अप्रूवल का कॉलेज चलाकर तू इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा है, यही मैं सोच रहा था। लेकिन कॉलेज का अप्रूवल हासिल करने के लिए इन स्टूडेंट्स से पैसे लेकर तुम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो जो लेटा है ना, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि वो पैदाइशी गरीब है। लेकिन तुम तो पैदाइशी अमीर हो, फिर भी तुमने लोगों से धोखे से पैसे लूट लिए। तुम तो भिखारी से भी गए गुजरे हो। चल जा।